Yes, yes. Yes, you know the answer. Now, today I will discuss a very important question. Yes, yes. Yes, you know the answer. Now, today I will discuss a very important question. Uh, welcome friends welcome to the second part of uh, the subject that i teach for which i'm known uh, as a part of our uh, series panch saal Paanch saal purchase saal right Achha, in my, uh, the, you know that the area i teach is basically gs paper 2, uh, which consists of three need divisions, and that is obviously indian polity, constitutional law on the one side. then we have governance, social justice, plus also we have the third component, which is uh, uh, international relations, right? so in the first part, we obviously covered the polity and the constitutional law part, and some aspect of governance was covered over there also. but then in this particular part, we'll be covering uh, uh, various aspects of trends which which are discernible in the questions which are being asked in the prelims from the topics of governance and governance social जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा चलो बेटे एट द वेरी आउटसाइट एक बात मैं आपको बता देता हूं गवर्नेंस uh, uh, तो भी आई आर क्वेश्चन हो जाता है अभी द कांड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन गवर्न सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन दे डिफाइ एनी काइंड ऑफ ट्रेंड एनालिसिस बट दट डज नॉट मीन दट आई के नॉट गिवि यू सम बेसिक पॉइंट एज टू विच विल हेल्प यू इन रिफाइनिंग योर प्रेपरेशन एक ब्रॉड ट्रेंड एनालिसिस यू वट इज एक्चुअली ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस तो यही होता है ना कि ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू कैन असेस दैट वट आर द एरियाज फ्राम यू पी एस सी इज आस्किंग क्वेश्चन आर देर सर्टन एरियाज वेर यू कैन फोकस ऑन तो ये बात मैंने पॉलिटी वाले पार्ट में भी कही थी यू कैन नॉट डेफिनेटली से दिस अबाउ द यू पी एस सी यू पी एस सी टेंट्स टू भी अनप्रडिक्टेबल

कर लेंगे फिर उसके बाद आ पे आ जाऊंगा राइट right. अच्छा गवर्नेंस में आ, मैं actually, मैं एक्चुअली सोशल सोशल जस्टिस जस्टिस और गवर्नेंस को करता हूं बिकॉज़ इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस फ्रेमवर्क ओनली करेक्ट नाउ इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ देवर्क वन कॉमन फ्रेमवर्क उसके लिए पहला एस्पेक्ट है एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स राइट अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस अभी पीछे आए भी हैं और कुछ बड़े टिपिकल और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ट हैव सीन इज द कांड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ दिल आस्क अबाउटेफिक रिफॉर्म लाइक सिटीजन चार्टर एक रिफॉर्म है सोशल ऑडिट एक रिफॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन एक रिफॉर्म है या तो वो इन रिफॉर्म्स को ऑर्गनाइज कर देंगे दे विल कि स्पेसिफिक रिफॉर्म एज वन टू थ्री फोर देन दे आस्क यू टू ऑर्गनाइज दे द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि कब यह इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए एक तो ये हो सकता है दूसरा ये जो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके कोर कॉम्पोनेंट क्या है उसके कुछ features क्या है, फीचर्स क्या हैं जैसे आर टी आई एक्ट के क्या

बेस क्वेश्चन आएंगे जो रिफॉर्म हुआ है उसके क्या फीचर्स हैं वो कब हुआ था क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है उसके फीचर्स क्या हैं एटसेट्रा एसेट्रा एक तो ये आ सकता है दूसरा आजकल क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं ऑन वेरियस कमेटीज़ सो दे कैन आस्क यू वट इज़ द मालीमत कमेटी वट वॉज द मालीमत कमेटी अपॉइंटेड फॉर और माधव मेनन कमेटी दोनों ही क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के ऊपर थी uh, सोली सराब जी कमेटी जो यू पी ए टू में यू पी ए वन में बनाई गई थी दैट वॉज बेसिकली देर फॉर अपॉइंटेड फॉर रीड्राफ्टिंग द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ एटीन सिक्सटीज़ फिर आपकी धर्माविर कमीशन थी लेट की ट अपॉइंटेड ऑन पुलिस रिफॉर्म्स फिर आपकी बलवंतराय मेहता कमेटी है पंचायती राज पे आपकी अशोक मेहता कमेटी अगेन ऑन पंचायती राज और इसके अलावा और बहुत सारी कमेटीज बनाई गई हैं वेदर इट इज द जी वी के राव कमेटी और दंतवाला कमेटी एंड मैनी अदर सच कमेटी ऑन विच क्वेश्चन विद दिस दट सम कमेटीज देर आस्किंग क्वेश्चन ऑन आर सच ऑब्सक्योर कमेटीज ऑब्स्योर मतलब बड़ी हिडनसी कमेटीज हैं इवन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल वो वाई एम एंग दिस बिकॉज दिस विल हेल्प यू हेल्प मन जस्टिफाइंग माई इनिशियल रिमार्क दैट रिमार्क वॉज दैट एट सम लेवल यू नो यू पी एस सज बिकमिंग यू नो थोड़ा सा इनजस्टिस हो रही है कि ऐसा लेवल का क्वेश्चन विच इज सपोज टू द नॉलेज ऑफ विच इज सपोज टू बी हैड ओनली बाय समाइम्स नॉट इवन बाय दैम लार्जली बाय ओनली पीपल दैट ऑप्शनल और कई बार वो भी आंसर नहीं कर पाते एंड यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज तो बिट ऑफ ट्रेविस्टी हो जाती है बिट ऑफ इनजस्टिस हो जाती है दैट इज माई ओपिनियन सो कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे गए उसका भी एक्साम्पल में आगे डिस्कशन ऑफ द वेरी ऑफ दैट एस वेल ठीक है तो एक तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं फिर जो कोर कंटेंट ऑफ गवर्नेंस होता है दैट इज वट द गर्वमेंट इज एक्चुअली डूइंग फॉर द पीपल एंड वट द गवमेंट डज फॉर द पीपल इज ऑफन गिवन द शेप ऑफ स्कीम्स पॉलिसी प्रोग्राम समाइम्स लॉज एज वेल राइट तो गवर्मेंट स्कीम्स भी बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन आजकल गवर्मेंट स्कीम्स के ऊपर आते हैं लेकिन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं अब देखते हैं गवर्मेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज यू विल नेचुरली गेट क्वेश्चन ऑन इफ अ स्कीम हैज बिन अनाउंस अबाउट सिक्स और एट मंथ्स इज करेंट इन इट्स ओरिएटेशन अबाउट सिक्स और एट मंथ्स बिफोर योर प्रिलम एग्जामिनेशन यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन द फीचर्स ऑफ दैट स्कीम द इंटेंट बिहाइंड दट स्कीम द पर्पज और ऑब्जेक्ट

तो कम्स टू स्कीम्स प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच आर जनरली अ पार्ट ऑफ द वेलफेयर मेट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंट स्कीम्स के बारे में पूछा जाएगा दे दे कैन कैन आस्क आस्क अबाउट अबाउट सम स्कीम्स मिड डे मील स्कीम ऑल्सो बहुत पुरानी चल रही है आई पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी बहुत पुराना चल रहा है सो ऑन एंड सो तो क्वेश्चन कैन बी ऑन बोथ करेंट स्कीम्स एज वेल एज ऑन गोइंग फॉर इवन फॉर डेके करेक्ट अच्छा अब जो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना आप पिछले चार पांच साल के क्वेश्चंस पेपर देख लो आप यू विल फाइंड वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स दे यूजुअली आस्क यू क्वेश्चंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट अ फीचर ऑफ दैट स्कीम या इनमें से क्या क्या कॉम्पोनेंस पर्टिकुलर स्कीम के तो इन दैट सेंस यू नो इफ यू आर फमिलियर विद द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड फंग एंड द इंटेंट बिहाइंड दैट पर्टिकुलर स्कीम अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिकली पढ़ा होगा उसके बारे में यू विड बबल टू आंसर दैक् क्वेश्चन दै आंसर दै क्वेश्चन इज प्योरली प्योरली फैक्चुअल इन नेचर राइट सो देउट द फीचर्स ऑफ अटिकुलर स्कीम एंड देव यू क्वेश्चन देम इन ए बी सी डी टू प्लस थ्री वन प्लस टू टू प्लस फोर तो वो फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तीसरा एक नोटिसेबल ट्रेंड जो आपकी स्कीम्स के अंदर है i mean that is this is one thing in terms of tend analysis i can give you this is one pointer in term which can actually be called an aspect of tend analysis when you prepare for a particular scheme or program for civil services always make sure of one, one thing by like every scheme of the government is actually being implemented under some ministry a specific administrative ministry hedge which is responsible for implementing that scheme and you will see not one not two but uh, Dozens of questions have been asked in the past 10, 15 years where they have specifically asked when they are asking about a scheme, either they will simply say that this scheme is the responsibility of which ministry? All right.

क्योंकि, you know, schemes, उनके जो कोर होती हैं और इंडिया की एक यूनिक चीज भी होती है पर्टिकुलर मिनिस्ट्री विच इज द एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्री विद रिस्पेक्ट दै पर्टिकुलर स्कीम सो यू आस्क मी दिस क्वेश्चन अगर हमें ब्रॉड फीचर्स चाहिए स्कीम के चलो वो तो न्यूज से मिल जाएंगे योजना से मिल जाएंगे करंट अफेयर्स मैगजीन से मिल जाएंगे बहुत सारे करंट अफेयर्स ऊपर चीजें मिलती रहती है आपको तो वो मिल जाएंगे आपको राइट बट देच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग स के अंदर आपको जो स्कीम सरकार इंप्लीमेंट कर रही है स्कीम आर मैं इंडिया ईयरबुक एंड यूजो के वेरी क्लियरलीशन दैट विच पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इंप्लीमेंटेशन ठीक है सो इंडिया ईयरबुक को थोड़ा सा तवज्जो दो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो पल टेंट टू सी यू नो वन द लुक एट द इंडिया यूर बुक वो इतनी विलुबिनस है आई मीन दै द वेरी साइट ऑफ दट विलुबिनस बुक टेंस टू ओवर वेलम यू दैट मीन टेल यू वन थिंक दै द स्टडी ऑफ इंडिया योर बुक इज अशियल फॉर योर फिल्म इफ नॉट फॉर द मेन्स टू समस्टेंड फॉर द मेन्स बट बाए लार्ज फॉर द फिल्म बट इसको प्रिपेयर कैसे करें इसको पढ़े कैसे इसको तो पढ़ने में धोमी लग जाएंगे इतनी मोटी किताब है बेटा नहीं लगेंगे वाई वैन यू आर रीडिंग अ बुक जनरल बुक फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन हर पेज के ऊपर कॉन्सेप्ट होते हैं हर पेज के ऊपर कुछ अंडरस्टैंडिंग uh, का एलिमेंट होता है एंड ऑन इनिक

क एट योर स्टेपल एवरी डे दट आई विल कवर टू चैप्टर पर डे ठीक है उसके अंदर आपने अंडरलाइन कर लेना है जो रेलिवेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आई एल प्रिपेयर आई एल जस्ट रीड नॉट प्रिपेर जस्ट रीड टू फैक्ट चैप्टर्स पर डे अंडरलाइन द रेलवेंट फैक्ट्स द रेलिवेंट डिटेल्स विच यू फील आर एंड आई ट्रस्ट यू दैट यू विलू नो दैट वट काइंड ऑफ इफॉर्मेशन देर इज रेलिवेंट फॉर द प्रसो अंडरलाइन कर लो टू चैप्टर्स पर डे इफ यू स्पेंड जी टी टू डेज ऑन इंडिया ईयर बुक योर इंडिया ईयर बुक इज कंप्लीट दैन ऑल यू हैव टू डू इज की जो आपने चीजें अंडरलाइन की थी उसको बार बार एक बार पढ़ते जाओ मेमराइज करने की जरूरत नहीं है इतनी उनको बार बार आठ दस पंद्रह बार पढ़ोगे तो दो थिंग्स विच स्टिक टू योर मेमरी राइट तो इंडिया ईयर बुक बिकम्स असेंशियल एंड देन एज अट दैन इुक एट ऑल द क्वेश्चन विच है इन फैक्ट ऑल ऑफ दम वाई शुड ए मोस्ट ऑफ दम ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इट्स प्रैक्टिकली ऑल ऑफ दम इफ इफ यू लुक एट दफ यू डू अर्वे ऑफ द प्रीवियस इयर क्वेश्चन लास्ट फाइव इयर्स पॉसिबिल ऑफ द लास्ट एन ईर

Again, you know, I have mentioned over here. The questions over here are also largely factual, Hantofactual, of factual. That is true, but this is one area that if you prepare your mains part of IR properly.

हार्डली एनी डिस्टिंक्शन इन प्रिपेरिंग इंटरनेशनल रिलेशन फॉर प्रिलम्स एंड मीन दोनों की प्रिपेरेशन सेम ही होती है विद सम माइनर डिफरेंस हेर और देय विच एल बी टॉकिंग अबाउट एज अ गोल ऑंग इन दिस डिस्कशन राइट तो लार्जली फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से भी आप अगेन यू नो डोंट ट्रस्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एर एम मेकिंग जस्ट डू अ सर्वे ऑफ द प्रियस फाइव इटेंगे क्वेश्चन यू विल सी ऑल द क्वेश्चन और एटलीस्ट मेजारिटी ऑफ द क्वेश्चन दिस रिगार्ड आर प्योरली फैक्चुअल इन नेचर करेक्ट तो चले आगे लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली पुट इन इंटरनेशनल रिलेशन ऑब्वियसली करंट डायमेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अब बच्चे एक चीज पे मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूं देयर आर स्टूडेंट्स हु कीप क्लेमिंग ऑल द टाइम एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई कीप रिफ्यूटिंग आल्सो दे कीप क्लेमिंग दिस थिंग दैट करंट अफेयर्स इज द फलक्रम ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज

आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंटली हेल्ड मीनस तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वहां पर आप देखोगे पॉलिटी पे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आया ही कोई नहीं है राइट तो यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन आर पी ए विच इज अ स्टैंडर्ड एक्ट विच हैज बीन देर फॉर सो लॉन्ग यू यूल फाइंड अ क्वेश्चन ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑल्सो यू फाउंड अ क्वेश्चन ऑल्सो ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द आर्टिकल नाइनटीन में हमारी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस और मूवमेंट है ना तो उस पर कैसे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है एक उसपे क्वेश्चन है ये कौन से करंट अफेयर है अगेन आई एम नॉट at any level suggesting to you that current affairs is not important okay but to raise current affairs preparation to the level of this like godly level uh, other worldly level to say that it's a fulcrum of the entire preparation you are on a suicidal path because what happens is when you start treating current affairs as the fulcrum of your preparation you start spending four to five hours every day on reading two to three, three newspapers and now you are on a suicidal path do you require current affairs preparations for history or for culture फॉर दैट मैटर यू नो सोशल इशूज में भी सोशल इशूज तो हमारे यार वुमन इंपावरमेंट का इशू है कम्यूनल टेंशन का इशू है इसमें करंट तो इसको डेवलपमेंट हो सकती है लेकिन करंट इशूज थोड़ी है उस सेंस में राइट right? जोग्रफी में कितना करंट आ गया ठीक है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स थोड़ा सा करंट आ जाता है जो पेपर थ्री के अंदर हैज हार्डली एनीथिंग करंट ओवर देर तो करंट और जो एथिक्स वाला पार्ट है उसमें तो करंट ज्यादा नहीं है आपका जो करंट का जो रेलिवेंस रहता है वो रहता है और पूरा पेपर करंट से नहीं आता एज अ टोल डी ऑलियर दैट रेलिवेंस इज लार्जली फॉर पेपर टू एंड पेपर थ्री ओनली बट देन अगेन

ट right. अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो यूपीएससी करती है इट आस्क क्वेश्चंस ऑन अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज क्वेश्चन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर और आर नॉट मेंिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाजेशन ठीक है तो एक तो ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो मेंबर्स के ऊपर राइट दूसरा वो क्वेश्चंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये स्पेसिफिकली पूछते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूएन ऑर्गेनाइजेशंस राइट तो यूएन एन की जो सब्सिडरी हैं कि दिस बॉडी हैज बीन सेट अप फॉर विद व्हाट ऑब्जेक्टिव और व्हाट इंटेंशन इन माइंड राइट तो ऑब्जेक्टिव्स मेंबर्स देन इफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज हैड ये तो अब एलिट्री से बात बता रहा हूं आपको मैं वैन अ पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन मल्टिलेटरल इंटरनेशनल बायोलेटरल ऑर्गेइजेशन हैज हैड सम लेटेस्ट मीट अभी कुछ लेट मीट हुई है और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ डिक्लेरेशंस साइन की गई हैं राइट तो उन डिक्लेरेशंस पे इंपॉर्टेंट मीट्स के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चंस आ जाते हैं सो लेटेस्ट मीट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग ऑब्वियसली द डिक्लेरेशंस व्हिच हैव बीन अडॉप्टेड इन दीस बायलेटरल और मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस तो उस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं ठीक है आगे चलिए

हमारे लिए ऑब्सक्योर है उनके लिए तो ऑब्सक्योर नहीं है ना तो उस पार्ट के तो उस पार्ट के लिए तो रेलिवेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट सो रेलिवेंट फॉर अस सो दैट इज द ओनली रीजन आई एम कॉलिंग दम ऑब्सक्योर ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्सक्योर ऑर्गेनाइजेशन में अभी रिसेंट पास में दे आस दिस क्वेश्चन ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट्स ओ टी एस मैंने लिखा यहाँ पे दे कैन आस दे हैव आज क्वेश्चन ऑन द नॉडिक काउंसिल दे हैव आज क्वेश्चन ऑन द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स इकोवास एटसेट्रा एटसेट्रा ये थोड़ी सी ऑब्सक्योर ऑर्गेइजेशन है जिनकी नेटिविटी सबको नहीं पता होती और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होता है बिकॉज इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन एन ऑब्सक्योर इंटरनेशनल मल्टीलेटल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली इफ द क्वेश्चन आस्क यू की नॉट द मेंबर्स ऑफ दिस मल्टी लेटल ऑर्गेनाइजेशन तो दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर करेक्ट तो ऑब्स्योर ऑर्गेनाइजेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं फिर आते हैं आपके यूएन के सारे ऑर्गन्स पे क्वेश्चंस एंड दे आल्सो आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन

बहुत सारी कन्वेंशन बनाई गई हैं बहुत सारी डेक्लरेश्स अडॉप्ट की गई हैं डेलरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक बहुत मेजर इवेंट uh, uh, था बैक इन आफ्टर इन दफ्टर मैथ वर्ल्ड वॉर राइट तो जो यू एन मीडिएटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन इन जनरल ऑल्सो बट इन पर्टिकुलर द वंस विच हैव बीन फ्रेम्ड एंड विच अडॉप्टेड बाय द ग्लोबल कम्युनिटी अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन वो एक स्पेसिफिक फोकस रहता है आपके यूपीएससी का सो द कीप आस्किंग क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन

एक्सटेंडिंग फ्रॉम दस्टर्न फ्रंटियर ऑफ ईस्टर्न कोस्टल फ्रंटियर ऑफ चाइना गोइंग थ्रू द साउथ चाइना सी डाउन टू साउथ ईस्ट एशिया एंड दट नाइन डैश लाइन दे हैव मेड इट अ बेसिस फॉर क्लेमिंग ऑल द स्मॉल आईलैंड टेरिटरीज विच एक्चुअली आर ऑलसो क्लेम्ड बाय सम ऑफ द स्मालर साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स सो नाइन डैश लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है फॉकलैंडस पर क्वेश्चन आ सकता है हालांकि फॉकलैंड्स आप थोड़ा तरह का सेटल डिस्प्यूट भी मान सकते हो इसको लेकिन फॉकलैंड हैज़ बीन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन हो बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूनाइटेड किंगडम यूके के दे केन ऑल्सो भी अ क्वेश्चन ऑन द द आर्ची पिलेगो जो अब बहुत न्यूज़ में रहता है बिकॉज इट्स अ इट्स अगेन अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन मॉरिशस एंड यूनाइटेड किंगडम और शागोस एक आर्चिपिलेगो जिसके अंदर बहुत सारे आपकी स्मॉल uh, आइलैंड्स हैं जिसमें एक बहुत प्रोमिनेंट है आपका डिगो गार्सिया जहां पे आपका यूएस का स्पेसिफिक एक मिलिट्री बेस भी बना हुआ है और वहां से बहुत हेल्प मिली थी यूएस को इन अंडरटेकिंग दट्स अफगान ऑपरेशन वट एवर ऑपरेशन देवर कंडक्टिंग इन अफगानिस्तान करेक्ट तो छागोस आर्ची पिलेगो को, ले, को लेकर मॉरिशस के साथ बड़ा मेजर कंफ्लिक्ट है आपका यूके का राइट right? और फिर जैसे पहले डिस्प्यूट है वो तो आपको पता ही क्या है तो जो ग्लोबल डिस्प्यूट्स हैं विच एग्जिट बिटवीन वेरियस कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली विच ऑल्सो कमेड टू द लाइम लाइट इन द रिसेंट पास्ट एक्सेट्रा उसके ऊपर बहुत रेगुलरली क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है जी अब हम आगे बढ़ते हैं करेक्ट नाउ हैव गिवन यू बेसिक एनालिसिस एज आई सेड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू ट्रेंड एनालिसिस फॉर गवर्नेंस एंड आईआर आर देर इज नॉन पॉसिबल एनीबडी यू इज टेलिंग यू दैट दर इज समथिंग पॉसिबल ही इज एक्चुअली सेंडिंग यून फूल्स एर एंड कर एक जनरल पॉइंट दे दिए किस किस तरह के क्वेश्चन अभी तक आए हैं और आ रहे हैं और आ सकते हैं एक स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट में आई आई ऑलमोस्ट सर्टन दट दिस कैन बी एन एलिमेंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस दट वन दे आर स्कीम्स वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्कीम डू प्लीज प्रिपेयर बिच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग दट स्कीम ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं राइट लेट्स लुक क्वेश्चन एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी पहला क्वेश्चन ही हुई है विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेटिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरस्ट डेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट टू इसको सिंपली के फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहा जा सकता है तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी आदत पता है क्या यूपीएससी की जहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स आ गया फॉर एग्जांपल वो पहली चॉइस तो हमेशा डालेंगे आपकी मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्योंकि एक टेप्टेशन होती है जिसको नहीं पता होता कि ये आंसर करेक्ट होगा बिकॉज फॉरेस्ट राइट से डील हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एवायरमेंट ही इसके साथ डील कर रही होगी लेकिन ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है दिस इज बेसिकली एन एक्ट विच हैज बीन द इंटेंशन बिहाइंड दिस बिहाइंडुलर लॉ वॉज टू गिव टाइटल डीड्स टू टू गिव टाइटल डीड्स एंड फॉर्मल ओनरशिप ऑफ द लैंड ऑन विच द ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट ज्वेलर्स हैव बीन लिविंग फॉर सेंचुरीज तो उनको फॉर्मल रिकोग्निशन मिले कि दिस लैंड बिलोंग्स टू यू

तो उनको यह पता है कि भी ये स्कीम तो किसी और मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है लेकिन स्टूडेंट की, की एक उसको टेम्प्ट करने के लिए वो एक ऐसी मिनिस्ट्री डाल देंगे जिसका भी कोई ना कोई कोरिलेशन उस स्कीम से यू कैन डिड्यूस और यू कैन एज्यूम कोरिलेशन राइट सो हैव अ लुक ओवर हियर तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज द रिस्पांसिबिलिटी इन सो फार इट्स इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री हैव अ लुक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है गलत हो गया ये तो ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज नो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नो बड़ी रिलेटेड सी मिनिस्ट्रीज हैं रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज राइट तो प्रैक्टिकली एनी ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज एफर्ट्स वर्क एंड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद ट्राइबल वेलफेयर बट द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ठीक है जी तो यू कैन सी हाउ दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू आगे आ गया जाओ चलिए अब ये एक क्वेश्चन है जब ये आया था तो आई वॉज ऑल्सो बिट अपसेट मैंने कहा यार इतना टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चन जो सिर्फ पबैट के स्टूडेंट्स को शायद कभी अगर उनको भी नहीं पता होता है ये यूपीएससी में जीएस के अंदर डाल दिया गया इट्स एंड मोस्ट स्टूडेंट्स मेजोरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स गॉट इट रॉन्ग ऑल्सो मेजोरिटी टू से वैन दिस क्वेश्चन अपियर वन आई वॉज डूइंग द एनालिसिस ऑफ द प्री क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी गवर्नेंस आई आर सो आई ऑल्सो फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु डिड द सेम एनालिसिस गॉट दिस पर्टिकुलर आंसर रॉन्ग ठीक है a, students, the, I, I was, say, appeared, so तो क्या कह रहे हैं यहां पे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एन गोपाल स्वामी आयंगर कमेटीड मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी दैट अ मिनिस्टर एंड अ सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोनली फॉर परसुइंग सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लू इसका थोड़ा वहां पे उसके साथ ब्लेंड हो रहा है ओके दिस विल सफाइस करेक्ट सो यहां पे क्वेश्चन है कि एन गोपालास्वामी एंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट पहले बात तो ये स्टेटमेंट गलत है अच्छा गोपाल स्वामी कमेटी बनाई गई थी नाइनटीन में ठीक एंड इट्स प्रिंसिपल पर्पज वॉज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी री ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो ये उसके ऊपर रिफॉर्म्स एंड फॉर लीडिंग द एफर्ट फॉर प्रमोटिंग दिस सजेशन वॉज मेड बाय मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए द गुरला कमेटी ऑफ नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है तो नॉट बाय बायला सोमी आंगेर कमेटी बट ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली जीएस ए स्टूडेंट्स के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ठीक है बट दर इज समथिंग यू शुड नो

एआरसी okay. so बार एआरसी बनी है इंडिया में 66 में और 2005 में राइट सो द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एंड दिस वॉज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है तो इसमें ओनली टू इज ओनली टू इज करेक्ट तो आपकी चॉइस ऑब्वियसली बी बन जाती है राइट right. अब आजकल तो जो उस समय तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है इट वॉज सेटअप एंड प्लेस अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज तो आज भी आपकी वो डिपार्टमेंट जो ऑफ पर्सनल जो है उसको आज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कहते हैं कई बार लोग उसको डी ओ पी टी कह देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग माइंड यू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इज अ डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसके अंदर और भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर द डी ए आर पी जी DRBG stands for Department. This is the Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करता है दैट इज माई इनिशियल थीसिस विच आई प्रोबली गेव यू इन माई इन माई फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज कि भाई प्री और मेंस की बाइफरकेशन थोड़ी मुश्किल है अब इट्स नॉट सो सिंपल टू यू नो बाइफरकेट द प्रिपरेशन ऑफ प्री एंड मेंस इफ यू प्रिपेयर फॉर मेंस साइमल्टेनियसली प्री आल्सो गेट्स प्रिपेयर ठीक है अब देखो ये जो पर्टिकुलर असेसमेंट है मेरी ये इस क्वेश्चन के अंदर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ माइंड एक्चुअली इज बोर्न आउट बाय दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स हैव अ लुक in the context of india, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? or choices the amazing, the nobody close choices, sorry, directly or indirectly? Look, go directly question indirectly. in the context of india, which one of the following is a characteristic appropriate for bureaucracy? it is an agency for widening the scope of parliamentary democracy indirectly. the, the job of deepening the roots of democracy, promoting a uh, democratic culture in the country, uh, promoting democratic way of life. तो इंडायरेक्टली तो भाई थोड़ा बहुत तो ब्यूरोसी भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती है पर उसका डायरेक्ट रोल नहीं होता लेकिन इंडायरेक्ली तो इट इज एक्सपेक्टेड टू डू सो राइट इट इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर एक्साम्पल इज टू मेक श्योर दैट लोकल बॉडीज आर गिवन आर प्रोवाइड दे हैव गर प्रोवाइडिट रिसल बॉडीज द वर्किंग ऑफ लोकल बॉडीज इज नॉट अनड्यूली इंटरफेयर विद बाय द लोकल ब्यूरोक्रेसी एटसेट्रा ये तो जॉब हर डिस्ट्रिक्ट हेड के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रिक्ट का होता ही है राइट right. तो इनडायरेक्टली तो भाई ब्यूरोक्रेसी कैन बी सीन एज एन एजेंसी इडनिंग द स्कोप ऑफ पारे डेमोक्रेसी नर्चरिंग दस ऑफ डेमोक्रेसी एंड एंड वन की थिंग हाउ ब्यूरोक्रेसी प्रमोट्स डेमोक्रेसी तो भैया एक तो बड़ी सीधी सी बात है जो सिर्फ ब्यूरोसी कर सकती है फॉर प्रोटिंग डेमोक्रेसी नो बी एल्स कैन डू हुबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेर इलेक्शन इन द कंट्री आफ्टर फाइव इयर्स इट इज द सिविल सर्विस इट इज द ब्यूरोसी यही सिविल सर्विस यही पुलिस सर्विस सारे इलेक्शन को मैनेज करती है अंडर द लीडरशिप ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो ये भी ठीक लग रहा है अभी हम ठीक मांग कर रहे हैं एंड एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरिजम भाई बिल्कुल सही बात है हमारी ब्यूरोसी के अंदर ऑल इंडिया सर्विस एग्जिस्ट करती है द आर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट करेक्ट एंड द सेम पर्सन वर्किंग इन द स्टेट में ऑल इंडिया सर्विस वेन ही गोज टू देंटर ही गेट्स ही ब्रिंग्स विद हिम दूनिक नॉलेज अबाउट द नीड्स ऑफ दैट स्टेट बट

ब्यूरोक्रेसी uh, uh, एक काम कर सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए इन द लाइटर एंड आई एम सेइंग दिस थिंग वेरी ऑफन पीपल से दैट इफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ टू टेक प्लेस ब्यूरोक्रेसी हैज टू गेट आउट ऑफ द वे चलो एक ये काम तो कर ही सकती है राइट बट देन ब्यूरोक्रेसी कैन रिड्यूस इंग कंट्रोल ओवर दी मार्केट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इट कैन गेट रिच जॉब अभी भी कहते हैं कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है लेकिन यार थोड़ा बहुत तो है ही है और लाइसेंस परमिट कोटा राज वो पुराने वाला उस सेंस में नहीं है लेकिन इंस्पेक्टर राज तो आज भी चलता है पीपल हु हुडरटेकिंग वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस जस्ट आस दैम एंड विल टेल यू दैट द स्टेटमेंट आई मेड इज एब्सोटली ट्रू करेक्ट तो थोड़ा बहुत तो भाई ब्यूरोके की कॉन्ट्रीब्यूशन पोलिटल स्टेबिलिटी लाने में भी है पोलिटिकल स्टेबिलिटी यू नो पोलिटिकल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी

इट्स एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी देखो अब इन चारों स्टेटमेंट्स में थे ये सीधी सीधी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी की है ये इनडायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है सम बॉट इनडायरेक्ट है ये बिल्कुल डायरेक्ट है द प्रिंसिपल जॉब ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज टू इंप्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी एज लेड डाउन बाय द पोलिटिकल एग्जेक राइट Huh. At the senior levels, at the senior-most levels, not senior levels, senior-most levels in the bureaucracy, when you are posted as additional secretary, joint secretary, secretary in central government, for example, at those, these are very senior decision-making levels. At these levels, you also help the minister in policy formulation. You also contribute to the policy formulation exercise. But principally, the bureaucracy, its principal job is implementation of public policy as has been settled by. डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सो द आंसर करेक्ट आंसर इज डी ये गलत हो गया यह भी गलत यह भी गलत इंडायरेक्टली सारे सही हैं लेकिन ये

ठीक है अब आपका यू you नो know, इसी पे दोबारा आ रहा हूँ एम टेकिंग अ बट बिट ऑफ टाइम ओवर हेड आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्री और मेन्स की प्रिपरेशन बाइफर्केट नहीं हो जाती एक आपका मेन्स के अंदर टॉपिक है रोल ऑफ ब्यूरोसी इन अ डेमोक्रेसी ये क्वेश्चन मेन्स का जो वो टॉपिक है उसमें से निकाला गया इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दैट टॉपिक रोल ऑफ ब्यूरोसी इन अ डेमोक्रेसी यू वुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजिली राइट ओके प्रोसीड फर्दर नाउ आगे आ जाओ अच्छा अब ये क्वेश्चन जो आया है आपका ये आपका आधार पे आया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था एंड इट्स नॉट समथिंग विच प्रॉबली एवरी ऑल ऑफ यू ओवर हि कैन ऑल्सो आंसर इट सिंपल सा क्वेश्चन राइट नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आधार मेटा डेटा नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन थ्री इयर्स अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है आधार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आई एम सॉरी द स्टेटमेंट इज थ्री मंथ्स तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा है कि इट कैन बी स्टोर्ड फॉर सिक्स मंथ्स एज अपोज टू जो फाइव ईयर पीरियड उसमें आधार के एक्ट में दिया हुआ था राइट सो आधार मेटा डेटा कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन थ्री ईयर और द कोर्ट ए सेट यू कैन स्टोर इट फॉर नो मोर देन सिक्स मंथ्स ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई आगे देखिए स्टेट कैनॉट एंटर इन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा अब आपका एक आधार एक्ट के अंदर एक सेक्शन फिफ्टी सेवन है जो कहता था कि भी आधार डेटा कैन ऑल्सो भी एक्सेस बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज ऑल पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर ऑथेंटिक फॉर ऑथेंटिकेशन फॉर वेरिफिकेशन फॉर के वाई सी एटसेट्रा के वाई सी नॉर्म्स एटेट्रा उसके लिए वो कर सकते हैं राइट तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज को स्ट्राइक डाउन कर दिया था यू विल नॉट अलाउ द एक्सेस टू द आधार डेटा ऑफ प्राइवेट सिटीजन इन द कंट्री टू प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज और प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑर्गनाइजेशन तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट टू क्या कहती है स्टेट नॉट एंटर इन टू एनी कॉन्ट्रक्ट विट फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा कोर्ट ने सेक्शन फिफ्टी को स्ट्राइक डाउन किया है तो दैट मीस दिस स्टेटमेंट इज नाउ सेक्शन फिफ्टी अलाउड दिस बट नाउ दिस स्टेटमेंट इज इन बिकॉज द कोर्ट है इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट भाई अगर जब कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो आपका बैंक हो चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो वो आपको कहती है कि अपनी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दो विलिंगली वॉलेंटेरियली अगर आप अपना केवाई करने के लिए अपना आधार कार्ड दे दिए तो ठीक है लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज लेने के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है ठीक है सो आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑपरेटिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इट इज नॉट ठीक है आगे चलिए इस आधार मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ सोल्यूटरी फंड ऑफ इंडिया ये तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टू मेक श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्पेशली द प्रोग्राम्स फाइनेंस डायरेक्टली आउट ऑफ द सोल्यूटरी फंड ऑफ इंडिया पब्लिक ट्रेजरी पब्लिक मनी सो दिस बेनिफिट्स रीच दी इंटेंडेड बेनिफिशरीज तो उसके लिए आधार वेरिफिकेशन से यू नो आधार कैन बी यूज एज अ टूल फॉर वेरीफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज सो दैट देर आर नो लीकेजेज़ नॉन डिजर्विंग पीपल डोंट गेट द बेनिफिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक स्कीम सो ऑन एन सोफर तो कोर्ट ने यह तो कहा है कि आधार इज मैंडेटरी टू गेट बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ सोलिडेटरी फंड ऑफ इंडिया तो किसी भी स्कीम के अंदर जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं फॉर द पोअर पीपल फॉर द अंडर प्रिविलेज फॉर द मार्चलाइज इफ द एक्सपेंडिचर ऑन दै पर्टिकुलर स्कीम इज कमिंग फ्रॉ द सोलडरी फंड ऑफ इंडिया तो दैन ऑफकोर्स आधार इज मैडेटरी राइट तो टू एंड फोर दे बिकम करेक्ट सो डू वी है चॉइस टू एंड हियर इट इज अभी तक आपने एक चीज देखी है वेर यू है माइंड हाँ वो ब्यूरोक्रेसी वाले में आपको थोड़ा माइंड अप्लाई करने की जरूरत पड़ गई थी राइट right? तो वहां से एक बात निकल आती है कि भी लार्जली प्रेपरेशन फॉर प्री एंड मेन्स के नॉट बी सेपरेटेड राइट चले आगे ओके नॉलेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए फिर वैसा ही क्वेश्चन सेम आपके कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग हैव लुक ओवर अटल इनोवेशन मिशन हैज बीन सेट अप अंडर व्हाट अगेन मिनिस्ट्री का पूछ रहे हैं मिनिस्ट्री तो कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नो नीति आयोग दैट्स द करेक्ट आंसर एंड दिस अटल इनोवेशन मिशन हैज बीन सेटअप टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड ऑन्ट्रप्रनियोरशि इन द कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑनट्रप्रनोरशिप नो सो इट हैज बीन सेटअप अंडर देखो रिलेटेड बॉडी दे दिए

नाउ विच ऑफ द फॉंग ये आप सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह दो हज़ार पंद्रह का डिजिटल इंडिया प्लान है आपका तो इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं राइट अगर आपने डिजिटल इंडिया प्लान को बेसिकली भी स्टडी किया हुआ है तो यूल बी बु आंसर दिस क्वेश्चन वेरी सिंपली वेरी इजिली राइट फर्स्टली लुक एट द फर्स्ट आउटलाइंड स्टेटमेंट फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कैंप कंपनीज लाइक चाइनीज गवर्नमेंट इज डूइंग बिल्कुल भी नहीं उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है डिजिटल इंडिया तो भाई प्रोग्राम है टू बिल्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टू विलेजेस स्कूल एटसेट्रा एंड टू प्रोवाइड एज मनी सर्विसेज फ्रॉम द पब्लिक ऑर्गनाइजेशन पब्लिक बॉडीज टू द पीपल इफ पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ओनली राइट आगे देखिए इस्टैब्लिश सेकेंड ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ डिजिटल इंडिया पहला गलत हो गया स्टेब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल ऑर्गनाइज कारपोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड दर लार्ज डेटा सेंटर विद इन आर नेशनल जोग्राफिकल बाउंड्रीज तो अपना डेटा भी यहां लाके यहां पर डालो हम तो वो करते हैं कि वो डेटा लोकलाइजेशन पे हम बहुत इंसस्ट करते हैं ना हम तो कहते हैं जो तो यहाँ से भी डेटा लिया है आपने वो भी बाहर स्टोर नहीं करोगे वो यहाँ लोकली स्टोर करोगे और यहाँ पे क्या क्या जा रहा है जो मल्टी नेशनल बाहर से भी डेटा लेके आएंगी वो इंडिया में स्टोर करो बिल्कुल उल्टा हो गया डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है उसका ये कॉम्पोनेंट बिल्कुल नहीं है ठीक है मैंने तीसरा बोला था आपको पहले बता दिया आपको कि भी डिजिटल इंडिया प्लान का एक कॉम्पोनेंट uh, uh, तो है ही है कि यू हैव टू इंटीग्रेट द कंट्री ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट स्कूल्स इंटीग्रेट विलेजेस एरियाज टूरिस्ट सेंटर्स एटसेट्रा एंड क्रिएट ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सटेंड दैट मोस्ट पब्लिक सर्विसेज आर एक्सेसिबल टू द दिटीजन ऑनलाइन राइट तो देखिए अब थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पे टू कनेक्ट मेनी ऑफ आर विजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाई फाई टू मैनी ऑफ आर स्कूल्स पब्लिक प्लेसेज

विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आ गया ना नहीं है लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम यह है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की दिस इज अम इंप्लीमेंटेड बाय द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विद uh, रेफरेंस to this, you uh, have to uh, uh, analyze the statements. So the first statement इज इट्स अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अन इम्प्लॉयमेंट अगेन द सेम क्वेश्चन किस मिनिस्ट्री ने इसको इंप्लीमेंट कर, uh, करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो is the skill स्किल डेवलपमेंट right राइट आगे पढ़िए pradhan so, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एन सी इंडिया ईयरबुक के अंदर भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो इंडिया ईयरबुक की स्टडी रिलिवेंट है आपके प्री के लिए स्पेसिफिकली फॉर द प्री पार्ट राइट गो फॉर मंग अदर थिंग्स इट विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स ऑनट्रप्रिनियोरशिप फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी एक्टसेट्रा ये ठीक बात है कौशल बढ़ाना है लोगों का तो यह तो बताना ही पड़ेगा ठीक है आगे चलिए इट ऑल्सो एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ अनरेगुलेटेड वर्क फोर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और आगे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आपको पता ही होगा क्या है यार अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपेरेशन भी की है लेकिन ऑफ अनग्युलेटेड वर्क फोर्स अनगोर्ट टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क दिस इज करेक्ट सो टू एंड थ्री दंसर इज सी टू एंड थ्री यह गलत हो गया आपका पहले वाला ठीक है फिर अगेन द नॉलेज ऑफ विच मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर स्कीम इज क्रिटिकल एंड अब रूल बना लो जब भी यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी एनी स्पेसिफिक स्कीम और पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट मेक श्योर यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज रिस्पांसिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग दैट पर्टिकुलर स्कीम राइट चलिए आगे कंसिडर द फॉलोइंग अब ये क्वेश्चन आपका राइट टू एजुकेशन पे है पढ़िए एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन का है

जहां जहां स्कूल्स के अंदर अंडर आर एक्ट आपको आ, एजुकेशन मिलेगी तो वहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं टीचर्स हुल बी अपॉइंटेड वो बेसिक क्वालिफिकेशंस लाइक बी uh, एड डिप्लोमा या किसी केस में बी एड डिग्री सो ऑन एंड सो फोर राइट वो जो बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्कूल इज यूनियन गवर्नमेंट स्कूल और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल दोज़ बेसिक क्वालिफिकेशन आर टू बी लेड डाउन बाय नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन राइट सो एक ही काउंसिल उसको लेडाउन कर रही है स्टैंडर्ड को फॉर ऑल द स्कूल इन दंट्री रिगार्डलेस और स्टेट गवर्मेंट रन और सेंट्रल गवर्नमेंट रन राइट तो यह गलत हो गया क्योंकि नो द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आगे चलो सेकंडी एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विदेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइन बिल्कुल सही है कि आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक क्लियर करना होगा बिफोर यू कैन बी डिप्यूटेड टू टीच इन एनी ऑफ दीज स्कूल राइट दिस इज करेक्ट अब आगे चलो अब अगला क्वेश्चन तो यू नो अगला जो स्टेटमेंट है ना वो तो आप वैसे एक नो ऑन दिस कॉमन नॉलेज ऑल्सो कॉमन आईक्यू इज इन आई क्यू बेड स्टेटमेंट ऑल्सो यू कैन डिसाइड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट ठीक है तो चलिए पढ़े थर्ड स्टेटमेंट इन इंडिया मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट नाइन्टी परसेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट अरे भाई प्राइवेट कॉलेज इतने ज्यादा रोके इंडिया में इसका उल्टा होगा

ओके मूव मूफ नाउ आ जाइए ठीक है अब जैसे मैंने बताया था नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है उस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया बेसिकली आपको पता होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस यू मस्ट नो अबाउट वॉट इज द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इट्स बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन टू पीपल हु हैव सम स्किल्स आप सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप बता सकते हो कि ये सर्टिफिकेट देख लो मेरा ये मेरा स्किल है लेकिन वो स्किल आपने एक्वायर कहाँ से किया है पूछेगा ना आपको सर्टिफिकेट तो तब मिलेगा ना जब आपने किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से आपने स्किल अक्वायर किया है तो गुड थिंग इज द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क डज नॉट लुक एट द सोर्स फ्रॉम वेर यूर अक्वायर्ड नॉलेज मे बी दैट वॉज सम काइंड ऑफ अ फैमिली क्राफ्ट जो आपने एज अ चाइल्ड यू लर्न फ्रॉम योर पेरेंट्स फ्रॉम योर एल्डर्स योर सीनियर सिबलिंग्स एल्डर सिबलिंग्स एटसेट्रा जो सभी वही काम कर रहे थे मतलब द फोकस इज ऑन द नॉलेज आउटकम मतलब ये है कि आपके पास कोई स्किल है बिजली बिजली का काम कर लेते हो आप या कोई थोड़ा बहुत आ, आ, कोई ए सी का, का काम कर लेते हो आप राइट तो ये काम आपने अपनी फैमिली में सीख लिया आप, आपको कॉम्पिटेंस भी आ गई उसके अंदर लेकिन आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले उसके लिए नहीं ली है राइट लेकिन आपकी कॉम्पिटेंस तो है ना तो ये जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है ये इसी चीज़ को सर्टिफाई करने की कोशिश करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एयर एक्चुअल कॉम्पिटेंसी डज नॉट फोकस ऑन की फ्रॉम वेयर यू हैव अक्वायर दैट कॉम्पिटेंसी वेदर फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक आपके जो आ, ये दा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वगैरह होते हैं वहां से आपने ली है कि नहीं ली है अगर आपने ये जो या है, या आपने इनफॉर्मल मेथड से भी ली है नॉन फॉर्मल मेथड से भी ली है और फॉर्मल से भी ली है आपकी सर्टिफिकेशन यहां पर हो सकती है राइट अब देखो इनफॉर्मल से भी हो सकती है ठीक है दिमाग में आ गया अभी अब आगे देखो अंडर द एन एस क्यू एफ अ लर्नर कैन अक्वायर सर्टिफिकेशन फॉर इस कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग गलत हो गया ना फिर ने बात की कि नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग से भी हो सकता है ठीक है तो ये गलत हो गया आगे एंड आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन एसक्यू एफ इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन ये बिल्कुल सही बात है आपके पास एक कॉम्पिटेंसी है जो आपने इनफॉर्मली एक्वायर अक्वायर किया बाय वर्किंग इन मे बी इट्स अ फैमिली बिजनेस ऑफ रिपेयरिंग एयर कंडीशनर्स राइट और डूइंग सम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जॉब्स आपने उस कॉम्पिटेंस एक्वायर कर लिया आपको सर्टिफिकेशन भी मिल गई लेकिन अब उसके अब यू नो वंस यू दट सर्टिफिकेशन इज गिवन टू यू दैट यू आर कॉम्पिटेंट इन दिस पर्टिकुलर जॉब तो फिर उसके बाद रास्ता मिल जाता है कि या तो यू कैन मूव पैरली हॉरिजोटली हॉर्जोटली कैसे सम रिलेटेड प्रोफेशन में भी यू कैन अक्वायर सम कॉम्पिटेंसी विद द गवर्नमेंट विल हेल्प यू इन अक्वायरिंग और इन द सेम ट्रेड द गवर्मेंट कैन हेल्प यू इन अक्वायरिंग अ हायर लेवल ऑफ proficiency and higher level of competency right तो जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के बीच में एक जो मोवेबिलिटी है और जो कोरिलेशन है उसको ऑब्वियसली स्ट्रेंथन करता है आपका नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क द सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट द आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनएसक्यूएफ इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन अच्छा यहां पे ना मैंने बड़ा स्केचली बहुत ही ना आई नो आई है नॉट एक्सप्लेन इट इन अ वे एज आई वुड एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर क्लास वेर एम टीचिंग अबाउट दिस राइट बट यू गॉट द जनरल आइडिया ना वट इज द एनएसक्यूएफ and the second statement over here is correct so here the answer becomes over here two only theek hai again the question is purely factual you can see it for yourself right so NSQ jo uh, nsqf hai iske andar informal non formal formal sab included hai basic चीज क्या देखी जा रही है आपकी knowledge outcome क्या है आपके पास ये knowledge और competency है कहाँ से आपने एक्वायर की है उस पे कोई फोकस नहीं है फॉर्मल इनफॉर्मल सारा तो अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज द बेसिक आईडिया बिहाइंड nsqf तो देन यू विल बी एबल टू से obviously स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मल लर्निंग इज एबली आगे चले अब अच्छा नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गरिमा अभियान इज अ नेशनल कैंपेन टू रीहेबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन एंड प्रोवाइड विद सुटेबल सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड बिल्कुल भी नहीं रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड विद ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नो राइट

m t c r missile technology control regime shanghai cooperation organisation is india part of all these three yes we joined this in 2016 also in 2016 m t c r and shanghai cooperation organisation 2017 india is a member of which of the above all three bilkul purely factual question राइट right. इनफैक्ट अगर आप एम देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीन ग्लोबली यू नो जो आर्म्स कंट्रोल रजीन्स है ना वो बेसिकली आपकी चार ही है राइट right? एक तो आपकी है एन न्यूक्लियर सप्लायज ग्रुप फिर आपकी है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप फिर आपका है एक समथिंग कॉल्ड द वैसन अरेंजमेंट और फिर चौथा है आपका एम इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वैसन अरेंजमेंट एम बट सी ऑफ कोर्स इन द न्यूक्लियर सप्लायज ग्रुप चाइना इज प्लॉइ प्लेंग स्पॉल स्पोर्ट एंड द प्रिंसिपल ऑब्सिकल टू आर एंट्री इन द न्यूक्लियर सप्लायज ग्रुप राइट तो ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया uh, ग्रुप है इट बेसिकली डील्स विद मूवमेंट ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज दोज आइटम्स

में डील करता है कन्वेंशनल वेपन्स ट्रांसफर पे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डील करता है विद ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल एक्सपोर्ट्स और जो एमटीसीआर है मिजाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स इन वी आर अ मेंबर ऑफ द एम टी सी आर वेस्टनर अनेंजमेंट एंड दस्ट्रेलिया ग्रुप ये जो चौथी है एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम फॉर टू चेक स्टॉक पाइलिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वेपन इसके हम मेंबर नहीं है बट यू शुड रिमेंबर एंड आई होप यू कैन रिकॉल दिस फैक्ट इफ यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन इट वॉज दिस एम टी सी आर जिसके हम मैंबर नहीं थे विच वॉज इफेक्टिवली यूज बाई द यूनाइटेड स्टेट्स बैक इन द नाइनटीन नाइनटीज टू प्रोहिबिट रशिया रशिया उस समय बहुत वीक हो गया था आफ्टर द कोलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन So, to pressurize the uh, Soviet Union to not transfer cryogenic engine for our rocket uh, systems, cryogenic engine technology to India.

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए ना अब यू के साथ तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया ना यू को तो थोड़ा डिटेल से कवर करना बिकॉज यू के सब्सिडरी ऑर्गनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की जो प्रोसेस होती हैं उनकी जो वेरियस कमेटीज हैं एंटी टेरर कमेटी वगैरह है और बहुत सारी और कमेटीज भी हैं वो जो नंबर से आइडेंटिफाई होती हैं कमेटीज़ तो जो प्रोमिनेंट हैं जिनकी मीटिंग्स रेगुलरली होती रहती हैं तो उस पर क्वेश्चन आपके प्री में आते रहते हैं सो so, उसी कीपिंग विद द सेम ट्रेंड सो लेट्स लुक विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन क्रीडेंशियल कमेटी कंसिडर द फॉइंग द कमेटी इज सेटअप बाय द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्कस अंडर इट सुपरविजन नो इट इज सेटअप अंडर द यू एन जी ए यूनाइटेडेड नेशन जनरल असेंबली जो प्रेसिडेंट होता है जनरल असेंबली का वो हर साल नॉमिनेट करता है इसको इट्स बेसिकली नाइन मेंबर कमेटी ओके आगे चलिए

जेंट दैट कंट्री इन दैट पर्टिकुलर से अब ये जो क्रेडेंशियल होते हैं कि कौन रिप्रेजेंट करेगा एक देश को एक यू एन के रेगुलर से स्पेशल सेशन में ये क्रेडेंशियल जो है वो एक आपकी जो क्रडेंशियल कमेटी है वो वेरीफाई करके उसको एक्सेप्ट करती है यह प्योरली एक फॉर्मेलिटी ही होती है राइट सो एक ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सेप्टेंबर यह गलत हो गया नवंबर में मीट करती है ठीक है बहुत डिटेल का क्वेश्चन पूछा इन्होंने थर्ड इट असेज द क्रडेंशियल ऑफ ऑल यूएन मेंबर्स बिफोर एन अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली फॉर इट्स अप्रूवल इट इज अयर फॉरमेलिटी ओनली ठीक है सो थ्री इज ओनली स्टेटमेंट दिच इज करेक्ट सो दुआ है ए थ्री ओनली ठीक है मुफ्फ आगे आ जाइए ठीक है अब जैसे मैंने बोला आपको कि जो कई बार एक ऐसी ऑब्सक्योर सी आई एम नॉट सेइंग इट्स ऑप्सक्यो इन द सेंस दैट इ्स नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड की वो ऑर्गेनाइजेशन है वहां के लिए तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑब्सक्योर है कि हमारे रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं है या हमने बिल्ड नहीं किए हैं उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या बड़े लो की रिलेशन हैं तो इसलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशली फ्रॉम द मेन्न पर्सपेक्टिव वो इतनी एलिमेंट नहीं रह जाती है राइट right. तो ऐसी ही ऑप्सक्यो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया यहाँ पे हालांकि इसके अंदर अगर थोड़ी सी आईक्यू लगाते हैं ना आप तो उसके बेसिस पे भी आइए क्वेश्चन आराम से आंसर हो सकता है ठीक है तो लेट्स एवं लोग डर द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मीनिया अजरबाइजान क्रोएशिया रोमेनिया उजबेकिस्तान ठीक है विच ऑफ द अब आर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट तो टर्की तो हो होगा ही टर्की तो लिखा ही नहीं हुआ यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स अब देखो यहां पर आई थिंक इफ यू गो बाई द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यू कैन ईजिली रूट आउट रोमेनिया टर्किक स्टेट तो रोमेनिया हो नहीं सकती किसी एंगल से हल्की से भी आपको यूरोपियन हिस्ट्री पता है तो यू शुड नो दाइट रोमेनिया फोर्थ पे है फोर यहां पे भी आ रहा है ये गलत हो गया फोर यहां भी आ रहा है ये गलत हो गया अब तो बेटा द जॉब बिकम्स इजी बिकॉज इन बी एंड सी ऑल द चॉइसिस आर डिफरेंट यहां पे वन एंड थ्री दिया है और नीचे थ्री एंड फाइव नहीं दिया यहां पे टू एंड फाइव दिया है अब वन टू थ्री और फाइव में से आपको एक पे जीरो इन करना है कि जो आपको लगता है कि दिस कुड बी अ मेंबर ऑफ द टर्किश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स राइट तो वन टू थ्री एंड फाइव अब आप यहां देखो उज़्बेकिस्तान क्स आया वहां से राइट right. सो so, uh, अजरबैजान उजबेकिस्तान ये दोनों मेंबर्स हैं ही हैं राइट माय पॉइंट इज ओनली दिस वंस यू एलिमिनेटेड रोमिया देन द चॉइसेस वर सो क्लियर ओवर हियर बिकॉज बी एंड सी डोंट कैरी कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी ऑफ द देयर आर नो कॉमन चॉइसेस कॉमन कॉम्बिनेशंस इन बी एंड सी दे आर टोटली डिफरेंट तो यहां पे अगर आपने एक भी देख लिया अजरबैजान या उजबेकिस्तान टर्की उन्होंने जानबूझ के नहीं दिया बिकॉज टर्की तो आउटराइटली बड़ी सिंपल चॉइस हो जाती तो इसके अलावा अजरबैजान, उजबेकिस्तान ऑब्वियसली टर्की इज़ ऑल्सो मेंबर देन uh, कजाखिस्तान इज अ मेंबर एंड देन किर्गिस्तान इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन बट ऐसी कुछ ऑब्सक्योर ऑर्गनाइजेशन पे द कीप आस्किंग क्वेश्चन राइट बट यहां पर मैंने बताया ना जैसे आपको मैथ थ्रू दोस एलिमिनेशन यू कुड स्टिल कम डाउन टू द लास्ट टू चॉइसिस और यहां पर थोड़ा सा अगर आप uh, uh, थोड़ा सा भी आइडिया रहे आपको तो अजहरबा जान तो चलो छोड़ दो बट उजबेकिस्तान को तो आप टर्किक uh, 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 जो स्टेट है उसके साथ रिलेट कर सकते हो टर्किक कल्चर से रिलेट कर सकते हो राइट प्रोसीड फर्दर ओके इंटरनेशनल डिस्प्यूट पे क्वेश्चन आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्सो आइलैंड इन द न्यूज दईलैंड चाइना उसको रेफर करता है तो भाई ये तो एक सीधा सीधा डिस्प्यूट है रेगुलरली अरप्ट होता रहता है आजकल बहुत देर से हो रहा है आज से तो हो नहीं रहा है सेंकाको आइलैंड जो थे वो जैपनीज कंट्रोल में थे आफ्टर दी एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर

It is generally believed that they are artificial islands made by a country around South China Sea. Galat hai bhai ye. Next, China and Japan engage in maritime disputes over these islands in the East China Sea. Absolutely correct. Right. A permanent American military base has been set up there to help Taiwan to increase its defense capabilities. Abhi ki hai. Taiwan help. Right. Through the International Court of Justice, though the uh, through the International Court of Justice declared them as no man's land. Uh, this word is actually though.

बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स नहीं जी हेक कन्वेंशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल्सो कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज फॉर इंटर कंट्री एडॉपशन ऑफ चिल्ड्रन ये हेक कन्वेंशन है तो ये आपका गलत हो गया फिर आता है आपका uh, तलाानवा डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बिल्कुल ठीक बात है तलानोआ इज़ अ ट्रडिशनल फिजी वर्ड फ्राम फिजी कल्चर एंड इट बेसिकली मीन्स अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज इंक्लूसिव विच इज ट्रांसपेरेंट विच इज पार्टिसिपेट्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा तो ये जो टेलानोर डायलॉग है इट इज़ मैंडेटेड बाय ऑल द सिग्नेटरीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और फोकस इसका वही है जो पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड की जो कमिटमेंट्स है उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए ये ठीक है अच्छा फिर उसके बाद आता है आपका अंडर टू कोलेन चाइल्ड राइट्स बिल्कुल नहीं अंडर टू कोलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इट्स अ कोलेशन ऑफ नॉट जस्ट नेशनल गवर्नमेंट्स Also, regional governments and state governments, which are committing themselves to

विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ये जो ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज ए बी सी टी में दिए हुए हैं आर ऑल द फोर कंट्रीज में शुरू करते हैं ठीक है इंडोनेशिया में जी ट्वेंटी का यस जापानबर ये सिंगापुर नहीं है साउथ कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरियाबर येबर सी पे आ जाओ ब्राजील इज अबर ऑफ जी ट्वेंटी द गुडिंग इज इन सबके अंदर जी ट्वेंटी के मेंबर दिए हुए हैं लेकिन सारे नहीं है किसी एक में सारे हैं ब्राजील इज इट अम्बर ऑफ जी ट्वेंटी येस साउदी अरेबिया येस वियतनाम वैसे भी बड़ी छोटी सी इकोनमी है उसको वैसे भी सी एल एम वी कंट्रीज में गिनाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया के कैंबोडिया लाओस म्यांमार एंड वियतनाम विच आर रिलेटिवली वेरी पुअर इन दियर इकोनॉमिक साइज पुअर इन दर डेवलपमेंट ऑल्सो जी ट्वेंटी में कहां से आ जाएगा विच इज अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज राइट तो वियतनाम निकल गया यहां से करेक्ट नाउ इज ऑस्ट्रेलिया मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी कैनेडा मेंस इज मलेशिया मेंबर नो इज न्यूजीलैंड मेंबर नो ये भी निकल गए फिर एक ही चॉइस बचती है आपकी एंड में अर्जेंटीना मेक्सिको साउथ अफ्रीका टर्की ऑल फोर आर में जी ट्वेंटी हर जगह दी है पर साथ ही राइट साउथ कोरिया अगर मैंने साउथ कोरिया को एक्सक्लूड किया है साउथ कोरिया एज अ मेंबर रिपब्लिक ऑफ कोरिया सर्कल नहीं करना चाहिए था एनी विच वे सिंगापुर इज नॉट मेंबर बट साउथ कोरिया एज मेंबर ऑफ द G20 G20 वैसे भी 20 कंट्रीज नहीं है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है ठीक है चलें आगे राइट okay, now. Right. Now, ना अब ना यह क्वेश्चन कोई आ, बहुत करेंट नहीं है लेकिन फिर भी रिसेंट पास में आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन करंट अफेयर से डील नहीं करता है इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ड अंडर आई ए सेव गार्ड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाइल अदर्स आर नॉट अगर आपको पता हो अगर आपने इंडो यूएस रिलेशनशिप कवर किया हुआ है तो टू में

वैसे तो जो एन के रूल्स होते हैं आपके वो किसी भी नॉन एनपी नेशन के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स अलाउ नहीं करते बट तो बहुत देर तक 1974 से लेके 2008 तक हमारा न्यूक्लियर अपार्थाइड चला था तो इससे हमारा न्यूक्लियर अपार्थाइड खत्म हुआ विद द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील लेकिन उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी हमारे यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं पहली कंडीशन ये थी सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर देर फॉर प्रिपेरिंग योर न्यूक्लियर वेपन तो उनको हम मिलिट्री मिलिट्रीन मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कह सकते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट उसकी ये थी कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की कि भाई आपको अपनी जो मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं जो जहां पे आप मिलिट्री वाला काम कर रहे हो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो उनको सेपरेट करो फ्रॉम दोज न्यूक्लियर रिएक्टर्स विच अप प्योरली फॉर सिविलियन पर्पेज फॉर एग्जाम्पल फॉर पार जनरेशन राइट सो आउट ऑफ ट्वेंटी टोटल रिएक्टर्स इंडिया पुट फोर्टीन इन द सिविलियन साइड राइट

Which is using that important nuclear material so that that nuclear material is not diverted for weaponization purposes or for non-peaceful uses purposes, right? So what is here? in India? Why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? Others are basically are uh, your uh, uh, military nuclear installations. The remaining are the civilian nuclear reactors for which we have asked the, the global community and the countries which have nuclear supplies, nuclear raw materials, etc., to supply us to, to supply the same to us, right? So.

सम आर ऑपरेटेड बाई फॉरन एंटरप्राइजे अदर्परेट बाई डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज बिल्कुल गलत हो गया सम आर स्टेट होंड अर्दर्वेटली होंड यह भी बिल्कुल गलत हो गया राइट सो बेसिकली ये जो आई आई ये सेफ गार्ड्स एग्रीमेंट हमने आई आई के साथ की है ना इंडिया स्पेसिफिक सेफ गार्ड एग्रीमेंट दिस इज एन आउटकम ऑफ द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ओनली

Full purpose right so that is the seventh question let's move further ab ye dekho na ab ye iaea wala jo question abhi hum karke aaye hain if you have already prepared for uh, uh, indo us relationship with respect to the mains so this question becomes a walk in the park for you to answer so pre mains no separation can be done at least not now chaliye aage ab ये भी अब देखो UN के ऊपर question है लेकिन UN के directly UN पे question नहीं है UN की subsidiary ऑर्गेनाइजेशंस UN की जो conventions है उस पर क्वेश्चन है Let's read. द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो इंडिया ने भी रेटिफाई की हुई हैज अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर बिल्कुल नहीं है ये जो स्मगलिंग ऑफ ये जो प्रोटोकॉल है अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एंड एयर दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जो एक थर्ड चॉइस भी है चलिए आगे पढ़ते हैं तो ये तो गलत हो गया इसमें कन्वेंशन अगेंस्ट अगेंस्ट करप्शन करप्शन है है यार सिंपल के स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड सी एयर ये तो ट्रैफिकिंग की तरह हो गया ना तो ये इसमें कवर नहीं होता दूसरा द दू एन सी करप्शन इज द फर्स्ट एवर लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट दिस इज करेक्ट द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट आगे पढ़िए हाईलाइट ऑफ द यू एन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम द ज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेफिक राइटफुल ओनर्स बीन टेकन इले ऐसा कुछ नहीं है इसमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के दो तीन प्रोटोकॉल है एक प्रोटोकॉल है अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूम स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रेन एक प्रोटोकॉल है आपका ये वाला ये ऊपर हम बात करके आए हैं स्मगलिंग ऑफ माइग्रेट अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाई लैंड सी ऑर एयर

कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ये बिल्कुल सही बात है क्यों सही है क्योंकि यह फैक्ट है राइट सो दीज एज क्वेश्चन इन नेचर करेक्ट सो विच इज वॉट इज करेक्ट टू इज करेक्ट फोर इज करेक्ट सो दे आंसर बिकम सी अब देखो बेटे ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट करते जाऊँगा कितने भी बता सकता हूं आपको यू कैन सी दैट फॉर द प्रिलिम्स यू हैव टू क्रिएट फॉर बींग प्रिपेर फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक This has to be a much larger one aapko net bahut wide cast to get to know about all those uh, smaller organizations some obscure organizations some some kind of conventions which are not very popular also because questions are being asked i mean you should know at least something about them if you want to be in a position to answer questions like these but then uh, uh, these uh, uh, be, be rest assured that questions from this will not be asked in detail in the mains uh, in the mains part of your uh, of your entire uh, the civil service recruitment process right but yes on this

ओके okay, अब अगेन न ये एक कंटेम्प्रेरी जिस जमाने में आ, कुछ साल पहले जब ये प्राइवेसी का जो एस्पेक्ट था स्पेशली प्राइवेसी ऑफ योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन योर ऑनलाइन डेटा उसकी प्राइवेसी को लेके बहुत इंडिया में भी कवायद चल रही थी अभी तो हमारे अभी तक चल रही है राइट right? अभी वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी तो बनना है हमारा करेक्ट तो उसको लेके uh, बहुत देर से एक ग्लोबली uh, एक डिबेट चल रही है कि टू वट एक्सटेंट यू नो डेटा हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड पर्सनल डेटा हैज़ टू बी प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वट ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन द गिव अबाउट दमसेल्स तो उसका Uh, कैसे प्रोटेक्शन करना है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी ना हो तो इसको लेके यू नो ग्लोबली यू नो दिस डिबेट इज गोइंग ऑन एंड यूरोपियन यूनियन इज ऑलवेज इन द लीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ पीपल पर्टिकुलरली द राइट टू प्राइवेसी विच इज हेल्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट अपरमोस्ट राइट्स ऑन द माइंड ऑफ द सो लेट्स रीड विच आर द फॉलोइंग एडोप्टेड अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन इन प्रिवेसी फॉर इटीजन नोन एज जी डी पी आर कहते हैं इसको द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रिल टू थाउजेंड सिक्सटी एंड स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग इट फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ मे टू थाउजेंड एटीन दिस इज द यूरोपियन यूनियन मैंने पहले बता दिया आपको सबसे आगे रहती है यूरोपियन यूनियन इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थोड़े से आगे रहते हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं और जो मॉडर्न जो ह्यूमन राइट्स विच हैव कम टू द लाइम लाइक टूडे लाइक राइट टू प्रिवसी उसमें ये बहुत आगे रहते हैं इट सो यूरोपियन यूनियन इज द राइट आंसर नॉट ऑस्ट्रेलिया नॉट कनाडा नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है जी सिंपल क्वेश्चन था फैक्चुअल था आगे आ जाइए नॉ इन द इंडियन कॉन्टेक्स व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग दोटोकॉल विद द आई एनो अभी हम आई ए पर क्वेश्चन करके आए जब आपने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ओपन कर दिया न्यूक्लियर कॉमर्स के लिए विद्रीज विच कैन सप्लाई यू विद न्यूक्लियर मटीरियल You place, you sign a safeguards agreement with the International Atomic Energy Agency. As per the norms of that agreement, the IAEA will put up some verification, some surveillance equipment in that particular uh, uh, nuclear installation. So to verify that the nuclear material is not displaced here or there, okay, or not used for uh, non-sanctioned purposes, especially not diverted for any kind of weaponization. Correct. अब ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल की बात हो रही है पहली बात तो ये समझ लो कि एडिशनल प्रोटोकॉल इज नॉट समथिंग दैट इंडिपेंडेंटली ऑफ द दिस समलीसिक सेफ गार्ड अग्रीमेंट जब आपने एक बेसिक सेफ एग्रीमेंट साइन कर ली है टू इंश्योर दैट इन श्योर कैन वेरीफाई वॉट आर डूइंग विद द न्यूक्लियर विद्यूक् मेटीरियल इंपोर्टेड ऑन टॉप ऑफ दैट समटाइमटाइम्स टू म्यूचुअल एग्रीमेंट

तो अगेन लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईएईए सेफगार्ड्स वो तो पहले भी थे लेकिन एक मिनट आगे पढ़ लेते हैं द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ आई आई ए ये तो हो ही नहीं सकता इसको तो हमने बिल्कुल ही बाहर रखा हुआ है इफ द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर इंटरनेशनल सुपरविजन तो फिर हमारी सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ दी स्ट्रेटेजिक्स को खत्म हो जाएगी बिल्कुल तो ये तो वैसे नहीं हो सकता द कंट्री विल हैव द प्रिवलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप भाई न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के जो मेंबर्स हैं विच कैन प्रोवाइड अस विद न्यूक्लियर दे देर नॉर्म्स बेसिकली से वॉर्ड That any country which is not a signatory to the NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) uh, the nuclear supplier group countries will not trade with it. Nuclear commerce नहीं होगा. लेकिन India specific waiver तो हो चुका है. India specific exception तो वैसे ही काबूत हो चुकी है। Correct. अब uh, the country will have the privilege to buy uranium from nuclear suppliers group. वो तो safeguards agreement से भी हो सकता है, because India specific waiver तो हो ही चुका है. Correct. अब आगे पढ़ो. ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द एस वो तो इंडिया बहुत देर से ट्राई कर रहा है यार नहीं बन पाया इंडिया तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया करेक्ट सो द ओनली थिंग ऑल दफ कोर्स यू नो एज आई सेड दैट वी आर ऑलरेडी अंडर द दैर एग्रीमेंट बट द सेव गार्ड बिकम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेबल एंड द एंडफिकेशन दीम ऑल्सो बिकम्स मोर इफेक्टिव विद द एडिशनल प्रोटोकॉल करेक्ट सो द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आई आई ए सेफ गार्ड्स ये मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस है यहां पर ओके okay. देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं डोंट थिंक दैट यू नो दे गोइंग टू बी आस्किंग अब ये इसको टेंड मत बनाने ना कि आइए ये पे दो क्वेश्चन कर लिए आपने न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप पे क्वेश्चन हो गया फिर से न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप पे क्वेश्चन आ गया है सडनली यू थिंक दैट द न्यूक्लियर पे एस्पेक्ट इज समथिंग ऑन विच लार्जली क्वेश्चन आर बिंग आस्ड इन सो फार एज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कंसर्निंग स्ट्रेटेजिक वेपनरी इज इज कंसर्न नॉट ट्रू एट ऑल इसको ट्रेंड समझ के नहीं चलना है राइट वट इज आर द कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ अ कंट्री बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द एन एस जहां मेंबर नहीं है फर्स्टली दट कंट्री विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशियंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज देखो इंडिया स्पेसिफिक वेवर तो हो चुका है वैसे तो अभी बहुत लोग कहते हैं कि एन एस जी की मेबरशिप एक सिम्बालिक रहेगी इंडिया के लिए बिकॉज इंडिया के लिए तो वेवर हो ही गया है एक् 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 एक्सेप्शन हो ही गया है कि इंडिया इज नॉट अग्नि सिग्नेटी टू दिन पी टी येट बी एन एंगेजन न्यूक्लियर कॉन्फर्स करेक्ट बट एक चीज ना कि full access to the nuclear technology and plus also India being able to easily export our own nuclear technology outside uh, the country, this will become much easier if you uh, join the nuclear suppliers group, right? So it will have access to the latest most efficient nuclear technologies, this is correct. And if you become members of nuclear suppliers group, it automatically so uh, read the question again, what is are the consequences of the country of a country becoming a member of the NSG, it will have access to the latest and most efficient nuclear technologies, mm, correct? इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन द नॉन पोलिफरे ऑफ न्यूक्लियर वेपन दैन एन पी टी जो लेट नाइनटीन सिक्सटीस की ट्रीटी है तो यहाँ पे तो हमारा बड़ा एक मॉरल सा स्टैंड रहा है बड़ा एथिकल स्टैंड रहा है कि इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी इट अलाउज द न्यूक्लियर दी दी फाइव टू रिटेन दियर न्यूक्लियर वेपन्स वाई डिस अलाउज द अदर्स फ्रॉम गोइंग हैड फॉर द सेम न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम तो वी एव नॉट इवन साइंड इफ दिस वॉज वन ऑफ द कंडीशन

ऐसा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल कब नहीं आते हैं आजकल यू नो एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुडे इज कमिंग आउट विद सम काइंड ऑफ एन इंडेक्स कोई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाल के ला रहा है उसको मैं पॉलिटिका क्वेश्चन मानता हूँ क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बड़ी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ रहा है आपको पता है कौन निकालता है वो फिर आपका एक फ्रीडम इंडेक्स आ रहा है फिर आपका एक डेमोक्रेसी इंडेक्स आ रहा है एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आ रहा है तो उसी तरह से एक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी आ रहा है तो एक काम करना इनके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं जस्ट डू वन थिंग जस्ट यू नो स्कैन द इंटरनेट मैं क्लासरूम में तो ये करवाई देता हूँ कि कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रीज हैं जो वर्ल्ड की जो इम्पोर्टेंट एन uh, हैं या वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन हैं जो निकालती रहती हैं और कुछ यूएन बॉडीज भी निकालती रहती हैं वो देखो तेरह चौदह इंडस्ट्रीज हैं ऐसे तो uh, उनको थोड़ा याद कर लो कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन विच कम आउट विद दीज एनुअल रिपोर्ट्स एंड देन दे रैंक कंट्रीज ऑन द बेस ऑफ वट एवर इज द एरिया इन विच दे आर ऑपरेटिंग राइट सो लेट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच आर द फॉलोइंग अब ठीक है मैं ये सीधा सीधा आंसर ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है नॉट ए इंटरनेशनल नॉट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसा जरूर देंगे कि जो सीधा सीधा रूल ऑफ लॉ से रिलेट करता है टू कंफ्यूज अ स्टूडेंट सो दि ऑफिस ऑफ द यू एन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स नहीं ये भी थोड़ा रिलेटेड होता है रूल ऑफ लॉ से बट एक्चुअली द आंसर इज द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट विच इज एन इंटरनेशनल सॉरी एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन इसको आप इंटरनेशनल एन जी ओ भी कह सकते हो करेक्ट एंड विच इज प्रिंसिपली यू नो ट्राइंग टू असेस द एक्सटेंड टू विच रूल ऑफ लॉ इज फॉलोड इन कंट्रीज एंड देन इट्सो गिवज रैंक्स टू कंट्रीज आई बिलीव इन द लास्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के इंडेक्स में इंडियाज रैंक वॉज नॉट व वेरी हैप्पी वन आउट ऑफ आई थिंक वन थर्टी नाइन कंट्रीज रैकड एट सेवेंटी नाइन ठीक है तो एनविच भाई दिस इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स उसी तरह से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आ जाता है फ्रीडम इंडेक्स भी आ जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स भी आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आ जाता है एंड ऑन एंड सोफोद ऐसे कोई दस बारह इंडस्ट्रीज हैं जिसके बारे में थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि विच आर दी ऑर्गनाइजेशन विच एक्चुअली कमर्ट विद एंड अ वेरी प्रोमिनेंट वन इज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स विच इज रिलीज एनुअली बाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल विच इज अ जर्मनी बेस्ड इंटरनेशनल एनजीओ ठीक जी अच्छा अब ये जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट तो थोड़ा सा आइडिया दे देता दे हूं यहां पे यहां पे लिखा हुआ है मैंने कुछ यहां पे तो यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक ओवर डोंट रीड द होल थिंग सो जस्ट दिस जस्ट लुक एट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट द इंडेक्स मेजर्स कंट्रीज रूल ऑफ लॉ परफॉर्मेंस अक्रॉस एट फैक्टर्स सो एट फैक्टर्स पे असेस करके इट फाइनली गिव्स इट स्कोर एंड देन इट गिव्स इट्स गिव्स डिफरेंट कंट्रीज रैंक कंस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट पार दिस इज अ गुड थिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन गवर्नमेंट पार दैट्स वन एबसेंस ऑफ करप्शन वॉट एक्सटेंड इज एबसेंट ओपन गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स एंड टू वॉट एक्सटेंडर एंड सिक्योरिटीटरी बॉडीज होती है स्पेशली फॉर रेगुलेटिंग वेरियस सेक्टर इकॉमी सिविल जस्टिस एंड फाइनल तो इन एट पैरामीटर पर स्कोर असाइन केर्कडउट एंड रैंक अकॉर्डिंगली अब ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये अब आ, मैंने बताया ना करंट अफेयर इज नॉट द फल ऑफ प्रिपरेशन बट करंट अफेयर इज इसशियल क्योंकि क्वेश्चन आ जाते जा 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 हैं जब ये आया था तो तब इसका थोड़ा एक करंट डायमेंशन था राइट सो वेरी रिसेंटली अब ये चार तीन चार साल पुराना क्वेश्चन है वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव हैैक्स ऑफ पीपल इधर सफर्ड फ्रॉम सिवियर फैमिन एक्यूट मैल न्यूट्रिशन और डाइट ड्यू टू स्टारवेशन कॉज बाय वॉर और एथनिक कंफ्लिक्स मोरक्को और तुनिशिया में वॉर एथनिक कन्फ्लिक्ट उस लेवल पे तो नहीं है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी रहती है वेनिजेला और कोलंबिया में भी नहीं है कोई वॉर लाइक कंडीशन राइट अफ्रीकन नेशंस हैं एंगोला जैम्बिया हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बहुत हो लेकिन बेटा यमन तो भैया वहाँ पे तो सऊदी अरेबियंस ने इतना असल्ट किया हुआ है वहाँ की हूतीजो रेबल्स हैं वहाँ के इतना डिसप्लेस कर हो चुकी है वहाँ की पॉपुलेशन तो वहाँ पर तो मेल वगैरह होनी एक्सपेक्टेड ही है

अब अगेन ग्लोबल डिस्प्यूट्स पे क्वेश्चन है अगर आपने बेसिक न्यूज भी सुनते हो यार और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है राइट ये क्वेश्चन देखो आप टर्म टू स्टेट सोल्यूशन इज इन द न्यूज इन द ऑफ़ द अफेयर्स ऑफ किसके टू स्टेट सोल्यूशन ये इसराइल पैलेस्टीन जब से वो ऑस्लो अकॉर्ड नाइनटीन में साइन हुए हैं आपके तब से ही जो लॉजिक यही था कि भी अल्टीमेटली वी शुड हैव इजराइल एज अ सेपरेट स्टेट एंड अ अब पेलेटिनियन स्टेट शुड आल्सो बी काफ्ड आउट एंड इट शुड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इवेंचुअली ऑफ पैलेस्टीनियन एरब तक हो नहीं पाया है दैट्स अनदर स्टोरी मेनी पीपल क्वेश्चन द फैक्ट दैट इजराइल इज एक्चुअली इवन सीरियस अबाउट दीज अकॉर्ड्स एंड द टू स्टेट सोल्यूशन इवन दो इट सेज दैट इट इज कमिटेड टू टू स्टेट सोल्यूशन बट उनकी जो ग्राउंड पे जो एक्टिविटीज होती है उससे लगता है कि दे आर वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट राइट एनी विच में The two state solution is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of obviously Israel only, uh, not Iraq, not Yemen, not. चाइना में कौन से टू स्टेट सोल्यूशन किस चीज़ की टू स्टेट सोल्यूशन चलो वे इसराइल पैलेस्टीन दैट इज द बेसिक टू स्टेट सोल्यूशन द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट उसके अराउंड टू स्टेट सोल्यूशन का नोशन रहता है बहुत बेसिक है न्यूज पेपर भी रेगुलरली पढ़ रहे हो अगर आप तो ये इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है हाँ बैकग्राउंड ऑफ द इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली उसको थोड़ा समझने के लिए कि ये पैलेस्टीन प्रॉब्लम आई कहाँ से वो बेल फॉर डेक्लेशन तो शुरू हुई थी ये प्रॉब्लम और आज तक गो, ये देखो एशिया की जितनी प्रॉब्लम्स है ना चाहे वो डोरेन लाइन की प्रॉब्लम है चाहे मैकमोहन लाइन की प्रॉब्लम है चाहे रेड लाइन की प्रॉब्लम है चाहे एलओसी चाहे एसी जहां भी चले जाओ आप और चाहे वो पैलेसिन की प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो कॉलोनियल कैप्टर्स थे पर्टिकुलरली ब्रिटिशर्स उनकी क्रिएट की हुई है अब हाउ आई मीन यू कैन गो बैक इन हिस्ट्री यू डू वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो यू विल नो इट राइट एनी विच वे नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन अब अब ये क्वेश्चन जब भी आया हो यार लेकिन ये जो पर, ये जो प्रोजेक्ट हम छाबाहारे क्वेश्चन आया है ये तो बहुत देर से चल रहा है राइट right? तो इसको करंट कहना है तो कह लो नहीं तो इतने डेकेड से ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो आई मीन इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन आल्सो नॉट सिंपली अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन करेक्ट अच्छा ना वॉट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग पोर्ट थोड़ा सा भी पढ़ा है न्यूज़पेपर खुद ही बता दो पोर्ट कहाँ है कहाँ बन रहा है पोर्ट ये क्या बलूचिस्तान में बन रहा है बिल्कुल नहीं सिंध में बन रहा है नहीं तो ईरान में बन रहा है राइट वी कैन हैव एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वाया पाकिस्तान वो देने वाला है एक्सेस के यहाँ दे भी देगा तो कंडीशन इतनी अनस्टेबल है कोई जाएगा अपना कमर्शियल कार्गो लेके यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो टू बाईपास पाकिस्तान टू गेट एन ऑल्टरनेटिव रूट टू अफगानिस्तान वाया ईरान छाबापोर्ट है सो नॉट ओनली वी विल हैव एक्सेस टू बाई पासिंग पाकिस्तान एक्सेस टू अफगानिस्तान वाई अफगानिस्तान विल हैव एक्सेस टू सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशियन रीजन ऑल्सो सो एक अल्टरनेटिव राउंड अबाउट रूट है ऑब्वियसली थोड़ा सा एफिशेंसी कम हो जाती है लेकिन क्या करें बीच में पाकिस्तान बैठा है और पाकिस्तान इज एन नाउ आई वुड एक्चुअली कॉल इट अटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना ऑलमोस्ट लाइक अनी पीपल आर कॉलिंग पाकिस्तान नाओ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ चाइना ओनली राइट right. अमेरिका ने भी यू नो कोर्स अमेरिका आजकल थोड़ा सा फिर से उनके साथ थोड़ा अपनी रिलेशनशिप को फिर से डेवलप कर रहा है बट ऑन द होल यू नो इट अस दट द अमेरिकन है प्रैक्टिकली अबैंड पाकिस्तान ये कम से कम दो चार छः महीने पहले तो, तो यही लग रहा था बिकॉज वैन दे वेंट आउट ऑफ अफगानिस्तान दे आर नो नीड लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान एनी मोर चलो एनी वे चुट बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीड नहीं थी एंड दैट्स वाई द अरिकन आर अगेन कमिंग बैक टू डेवलपिंग सम काइंड ऑफ बाइलेट्रल स्टल बाइलेट्रल इक्वेशन विद पाकिस्तान बट आफ्टर द अमेरिकन विद्रॉल

नेपाल में इट इज ट्राइंग टू गेट अ फुट होल्ड बांग्लादेश में उसका फुट होल्ड ऑलरेडी बना हुआ है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर तो वैसे भी उसका एक बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस है करेक्ट तो इट वुड बी लाइक यू नो इंडिया इज बॉक्स इन टू वन स्पेसिफिक कॉर्नर ऑन ऑल साइड्स बाई दैट इज अ डिस्कशन यू नो डिस्कशनो इज फॉर अनदर डे अबाउट द इंडो चाइना इक्वेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियाज ईरान पॉलिसी बट इसका आंसर कर लेते हैं अब वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग छाबाट पोर्ट बाय इंडिया

मैंने जनरल पॉइंटर्स आपको दे दिए हैं जनरल एक डायरेक्शन दे दिए कि किस डायरेक्शन में यूपीएससी थोड़ा बहुत सोचता है लेकिन मैंने यह नहीं बताया आपको कि भाई यूपीएस इज लार्जली आस्किंग क्वेश्चन ओनली ऑन इंडियाज बाई अफेयर्स दैट इज नॉट द केस और इट इज आस्किंग क्वेश्चन ओनली ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन दट इज ऑल्सो नॉट द केस राइट बट कुछ जनरल पॉइंटर्स थे जनरल इंडिकेशन थी जो मैंने आपको एक्जाम्प्लीफाई किया जो मैंने शुरू में बताई थी आपको और उनकी मैनिफेस्ट माई पर्पज ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दट वट आई सेट इनिशियली एज अ पार्ट ऑफ माई जनरल पॉइंटर्स इज एक्चुअली बींग रिप्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन पेपर ठीक है

Rights of Dalits, rights of STs, rights of women, rights of minorities, rights of children, rights of uh, uh, transgenders, rights of uh, sex workers, rights of people working in specific occupations, specific professions, rights of agricultural laborers, uh, rights of your uh, uh, factory workers, etc. etc. Those is rights issues and the general problem of uh, human rights which is plaguing.

डू वन थिंग राइट अभी मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स भी आने वाले हैं उस पर पेपलाडर के प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर इफ यू जस्ट लिसन टू दो लेक्चर्स आई थिंक वो कुछ इनिशियली आपको पैकेज देते हैं आई थिंक पेपलाडर प्लेटफॉर्म गिव यू फ्री एक्सेस फॉर सम टाइम ऑल दीज क्वेश्चन शांति जी यू आस आई विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर टू डिस्क हाफ एन आवर फोर्टी मिनट्स टू डिस्कस जस्ट दिस की वाई अमेरिका इज नॉ इंक्रीजिंग ऑल प्रोडक्शन अदर आस्किंग ओपेक टू इंक्रीज इट राइट

तो उसमें आपको ऑब्वियसली यू विल गेट यू लुक अप दैट पर्टिकुलर टॉपिक नेक्स्ट मंथ के बाद देखना दैट द इंटरनेशनल रिलेशन वाला वो जो टॉपिक मैं करवाऊंगा क्योंकि ये इशू है तो उसमें कवर हो जाएगा जस्ट लिसन टू माई लेक्चर ओवर दिस क्वेश्चन विल बी मोर देन आंसर राइट और एनी अदर क्वेश्चन सेम गोस फॉर जेनिफर जेनिफर एज आज द क्वेश्चन दैट सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी ब्रॉड फ्रेमवर्क वेलफेयर स्कीम्स

तो ये ये कोई लीगल टर्म्स नहीं है हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पब्लिक पॉलिसी क्या होती है पब्लिक पॉलिसी इज इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क व्हाट द जनरल डायरेक्शन लाइक डायरेक्टिव फ्रेमवर्क के अंदर जो फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन है सरकार को कहां लेके जाना है देश को वो आर्टिकुलेट होती है और पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग पहले पब्लिक पॉलिसी बनती है उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यू रिड्यूस द पॉलिसी इनटू स्पेसिफिक प्रोग्राम्स स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम्स स्पेसिफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स

इंश्योरेंस बिजनेस से आती है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ अच्छा ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया था काफी देर पहले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ पी देखो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो लोग फाइल करते हैं लेकिन वो कई बार क्या होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट कम होती है पब्लिसिटी इंटरेस्ट होती है राइट right? तो यू नो द द की दैट पर्सन हु इज फाइलिंग अ ही इज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड इन इट तो फर्स्टली द पी इज अ इज अल इन विच पब्लिक इंटरेस्ट इज इनवॉल्ड सेकंडली

अच्छा योर रास्ट क्वेश्चन डिफेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ओके डिफेंस ऑफिशर्स आर ऑल्सो ब्यूरोक्रैट अगर आप ये वर्ड यूज करते हैं ना डिफेंस आर ऑफिशलो सिविल सर्वेंट्स नो देखो बच्चे मैंने शायद पिछले अपनी जो पॉलिटिक्स डिस्कशन में शायद ये किया था इफ आई डिन नॉट डू इट एट दैट टाइम दिस इज एज गुड एज गुड टाइम इज एनी सिविल सर्वेंट टर्म जो है सिविल सर्विस जो टर्म है किस पे अप्लाई करती है एक उल्टे तरीके से कान को उल्टा पकड़ लेते हैं किस पे अप्लाई नहीं करती मिनिस्टर्स आर सिविल सर्वेंट्स नो no. जजेस आर द सिविल सर्वेंट्स नो पार्लियामेंटेरियंस इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर द सिविल सर्वेंट्स नो राइट डिफेंस ऑफिशियल्स आर द सिविल सर्वेंट्स नो दे कम अंडर द लार्जर डेफिनेशन लार्जर एक्सप्रेशन कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स Of है ना? एक बड़ा होल है सिविल सर्वेंट वो आप सही कह रहे हो आप ब्यूरो अगर आपने पब का थोड़ा सा पढ़ा हो ना मैक्स वेबर की थ्योरी पढ़ी हो ब्योक्रेट ब्यूरो के बारे में तो you know

प्रीतम कुमार सागर जी ने पूछा है बेस्ट बुक फॉर आई आर इन हिंदी अच्छा मेरे कोलीग है मेरे एक फ्रेंड बड़े डियर पवनीत सिंह उनकी बुक आपकी इंग्लिश में आती है राइट इंटरनेशनल रिलेशन पे उनकी बुक अभी शायद रिलीज होने वाली है थोड़े दिनों में इंटरनेशनल रिलेशन पे जो उनकी आई की बुक है वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर रिलीज होगी वो किताब पढ़ लीजिए अच्छी किताब है बाकी इसके अलावा बिकॉज मैंने हिंदी में किताबें रेफर नहीं की हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे तो आई रियली नॉट कमेंट ऑन दैट आई एम सॉरी राइट सो दिस इज वन एरिया इन विच आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट बट पवनीत सिंह की जो इंग्लिश uh, की बुक है उसको एक बार देख लो आप यू विल फाइंड सफिशेंट नॉलेज इन दैट विच एनेबल्स यू टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ योर प्री एंड मीनस राइट अब वो हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है आई वुड सजेस्ट Uh, थोड़ा पेशेंटली वेट कर लीजिए तब तक वो बुक आती है इट विल बी यू विल रिलेश रीडिंग दैट पर्टिकुलर बुक अब ये हैं जी इफ वी आर इज गॉन वीक जस्ट सुब्रनील चक्रवर्ती चक्रवर्ती अच्छा बंगाल आई होप आई एम स्टेटिंग द प्लेस ऑफ योर रेजिडेंस करेक्टली सर लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म इज देर एनीथिंग कॉल लेजिसलेटिव एक्टिविज्म एंड एक्जेक्टिव एक्टिविज्म एग्जेक्टिव एक्टिविज्म नजर आ रहा है प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस इज जुडिशरी काम वट इज एक्टिविज्म वेन वन इंस्टीट्यूशन तीनों हैं आपकी आपका जो ट्रैको ऑफ द स्टेट है जुडिशरी एक्जेक्टिव एंडिसलेचर ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन हैं अपने अपने स्फीयर में रहें तो एक्टिविज़्म नहीं है जब दूसरे के स्फीयर में जाते हैं तो एक्टिविज़्म है जब जुडिशियरी पार्लियामेंट के स्फीयर में इंटरफेयर करती है या एग्जेक्टिव की पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर करती है जुडिशियल एक्टिविज्म है जब एग्जेक्टिव स्टार्ट यू नो डिस्पेंसिंग योर जस्टिस लाइक इट इज़ डिस्पेंस बाय डिस्पेंस इन ऑन द स्ट्रीट्स राइट तो जैसे ये अब हो रहा है कि भी uh, जो पीपल हुर पॉसिबली इन्वाल्व इन सम काइंड ऑफ राइट्स और वायलेंस ऑन द स्ट्रीट्स डूरिंग प्रोटेस्ट मूवमेंट एसेट्रा सो उनके घरों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया बुलडोजर भेज दिया वहाँ पर उसको डिसमेंटल कर दिया विदाआउट गोइंग थ्रू द प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस तो दिस इज एक्चुअली द एग्जेक्टिव परफॉर्मिंग द रोल ऑफ जुडिशली ओनली राइट सो दिस कैन भी रेफर टू एज एग्जेटिव एक्टिविज्म एक तो ये भी है और एग्जेक्टिव एक्टिविज्म के ना आपके ना एक टर्म आती है सिविल सर्विस एक्टिविज्म आर यू रेफरिंग टू दैट सिविल सर्विस एक्टिविज्म जस्ट सेट एक्टिव एक्टिव एक्जैक्टली तो पूरी सरकार ही होगी ना बट दर इज अनाड सिविल सर्विस एक्टिविजम उसका मतलब है. वो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं हो अपने इनवॉल्व हो जाते हैं एंड यो वट दिस इज अविल सर्वेंट मस्ट बी मोस्ट क्लोजली ऑब्जर्वड वन इज एक्चुअली वर्किंग विदेट इंटेंशन अब वो क्यों है ये किसी मेरी लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा करेक्ट सो आई बिलीव दीज आर द क्वेश्चन दैट इज ऑल देर इज Uh, well, um, um, uh, thank you. Thank you for being here. And that's all for today.